नमस्कार, मैं ममता नेगी, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। क्या देश के 11 राज्यों में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलाने का जिम्मेदार तबलीगी जमात दिल्ली का मुखिया मोहम्मद साद है? ये आज का बड़ा सवाल है। मोहम्मद साद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। महामारी IPC की कई धाराओं के अंतर्गत उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। निजामुद्दीन में तबलीगी जमात का जो मरकज है उसे पूरे तरीके से सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 3000 से ज्यादा लोग रह रहे थे, जिनमें से कई विदेशी भी थे, जिससे कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने का खतरा और बढ़ गया है। अब देखिए ना, कल देखते ही देखते उसी समय 27 कोरोना वायरस पॉजिटिव मामले सामने आ गए, जो आज बढ़कर 93 हो गए हैं। पूरे देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलाने को लेकर मोहम्मद साद पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। मोहम्मद साद का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग के खिलाफ लोगों को भड़काता सुनाई दे रहा है। इस पूरी क्रोनोलॉजी पर आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मुसलमान मुसलमान से न मिले, मैं लग जाएगी, ये जहालत है। बस अल्लाह की तरफ इस वक्त सब मुतवज्जे हो और नकल हरकत के जरिए अल्लाह के बंदों को अल्लाह के फराइज की तरफ लाने की कोशिश करो। जो आपने अभी आवाज सुनी, नाम है मोहम्मद साद, काम तबलीगी जमात मरकज दिल्ली के प्रमुख। आरोप, कोरोना का संक्रमण पूरे देश में फैलाया। मामला, महामारी एक्ट IPC की धारा 269, 270, 271 और 120B के तहत केस दर्ज। पूरे देश के लिए कोरोना संक्रमण का हॉटस्पॉट बना दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके का तबलीगी जमात, और इस गुनाह का आरोप लग रहा है तबलीगी जमात दिल्ली के मुखिया मोहम्मद साद पर। कोरोना के खतरे के बीच मार्च के महीने में मौलाना साद ने मरकज का आयोजन किया। करीब 3000 लोग देश विदेश से आए और यहीं से बजना शुरू हुआ पूरे देश में कोरोना वायरस के खतरे का अलार्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी को जरूरी बताया था, और मौलाना साद अपनी कौम को इसी सोशल डिस्टेंसिंग को ना मानने को कह रहे हैं। तबलीगी मरकज के YouTube चैनल पर मौलाना साद की तकरी के नाम पर एक वीडियो 17 मार्च को अपलोड हुआ। इस YouTube चैनल पर इस वीडियो को अपलोड करने की तारीख 17 मार्च 2020 लिखी गई है, जिसमें वो साफ साफ अपनी कौम के लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने को कह रहे हैं। अल्लाह मुझे माफ फरमाए, जिनकी अकलों पर गैरों का तसल्लुत होता है वो उनको ये मशवरे देते हैं कि आप मस्जिदें बंद कर दीजिए ताकि लोग जमा ना हो। अरे मैं शुरू में आपको मिसाल दे दी थी कि इस्तिस्का जो अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ा आजाब है, सबसे बड़ा आजाब है बारिशों का रुकना, जिससे सिर्फ इंसान नहीं बल्कि हर मखलूक हलाकत की तरफ जाती है, क्योंकि पानी को अल्लाह ताला ने हर जानदार के लिए हयात का जरिया बनाया है। इसलिए इससे बड़ा आजाब कोई नहीं है। इस आजाब को हटाने के लिए कि औरतों को, बच्चों को, जानवरों को, बकरियों को, बैलों को, भैंसों को, ऊंटों को, सबको साथ लेकर आओ मैदान। इस मरकज में विदेशियों समेत देश के 11 राज्यों से लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसके बाद कई राज्यों से कोरोना वायरस संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, और देश के कई राज्यों में इस मरकज में शामिल लोगों की मौत भी हो चुकी है। अगर ये कहे कि पूरे देश में कोरोना का संक्रमण फैलाने के लिए मौलाना साद जिम्मेदार है तो ये गलत नहीं होगा। आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट reportsindia.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही रिपोर्ट्स इंडिया को सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं।